हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक समोसा। मेरा नाम है रोहित और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एम आधार कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ। एम आधार कार्ड जो एप्लीकेशन है वो आज ही इंडियन गवर्नमेंट में लॉन्च की है और उसका इस्तेमाल करके हम अपनी जो आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो उस एम आधार कार्ड एप्लीकेशन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पर एम आधार कार्ड आपको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो आपको दिखाऊँगा। तो उसके लिए आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पर एम आधार। ठीक है, देन उसके उसमें आपको ये जो 6 नंबर पे जो आइकन दिख रहा है रेड येलो वाला, उस पर क्लिक करके आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। सी दोस्तों, मेक श्योर करना कि आप यही एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। मैंने एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। रीज़न इसका ये है कि राइट नाउ प्ले स्टोर पर अराउंड 100 से भी ज़्यादा फेक आधार कार्ड एप्लीकेशन अवेलेबल है और मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे जाके आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपकी वो एक्सेस कर ले वो एप्लीकेशन। तो मेक श्योर करना कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यही एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उस पर मुझे एक पासवर्ड सेट करना है। जो आप पासवर्ड सेट कर रहे हैं वो मेक श्योर करना कि बड़ा सिक्योर पासवर्ड हो। ठीक है, उसमें आप एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट एंटर करना मत भूलिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं अपना कन्फर्म पासवर्ड सेट करता हूँ। ओके, देन यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके मैं कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे मुझे स्कैन क्यूआर कोड और आधार कार्ड नंबर, ऐसे दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो जो अपना क्यूआर कोड रहता है आधार कार्ड पे उसको भी स्कैन करके हम अपने आधार कार्ड की एक्सेस, आधार कार्ड का एक्सेस इस एप्लीकेशन को दे सकते हैं या फिर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भी मैं मैन्युअली डाल सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर ही डालता हूँ। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि ये क्यूआर कोड वाला जो फीचर है वो काम करता है कि नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्यूआर कोड वाला फ़ीचर काम करता है। मैंने 2 बार टेस्ट किया है और ये क्यूआर कोड वाला फ़ीचर काम किया था। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन के क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे अभी एक्सेस नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं अभी यहाँ से मोबाइल के थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो बेसिकली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आ जाएगा, जो भी आपका रजिस्टर नंबर है जिससे आपने रजिस्टर किया था अपना आधार कार्ड, उस पर आप एक OTP नंबर आ जाएगा। वो OTP नंबर डालने के बाद आपको आपकी जितनी भी डिटेल्स है आधार कार्ड की वो इस एप्लीकेशन में आ जाएंगी। ओके, तो ये बेसिक जो भी है इंफॉर्मेशन वो एम आधार कार्ड की है। तो इसका फीचर के बारे में बताना जाए तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें आधार कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम फॉर एग्जांपल अभी कुछ भी आजकल ऑफिशियल काम या फिर सिम परचेस करना हो तो हमें आधार कार्ड की ज़रूरत बहुत पड़ती है, तो उस टाइम पे हमें हार्ड कॉपी को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट अपने एप्लीकेशन को ओपन करके उनको दिखा सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हमारा आधार कार्ड नंबर है, ये हमारे एड्रेस और नंबर की डिटेल्स है। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एप्लीकेशन सेफ़ है क्या, तो मैं उनको सबको बताना चाहता हूँ कि जी हाँ, ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा सिक्योर है। क्योंकि सिक्योर इसलिए है क्योंकि ईच टाइम इस एप्लीकेशन में आप कुछ भी करने जाओगे, मतलब कि कुछ भी एक्सेस करने जाओगे तो ईच टाइम वो पासवर्ड पूछता है। ओके, देन जो OTP वाला जो फीचर उन्होंने जो यूज़ किया है वो भी बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है, तो ये बहुत सिक्योर और सेफ एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल आप डे टू डे लाइफ के लिए कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एम आधार कार्ड। मैं चाहता हूँ कि आप ये सब इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। ठीक है, अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स एज सून एज पॉसिबल क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।